ट्रेडिंग में चार्ट्स एंड पैटर्न्स के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसका नाम है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इसके बारे में लोग ऑफन बात करना भूल जाते हैं बिकॉज लोगों को लगता है कि अगर हमने चार्ट एंड पैटर्न सीख लिया तो हमारी कमाई स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन लोग एक गलती कर देते हैं कि वो अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर वर्क नहीं करते। आप पैटर्न से ही चुन लेंगे, आप चार्ट्स को अच्छी तरह पढ़ना सीख जाएंगे, लेकिन अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी अच्छी नहीं है तो आप मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं रह पाएंगे। इसीलिए ये वीडियो मैं चाहता हूँ कि आप एंड तक देखें, पूरा देखें, आपको जब टाइम हो तब देखें और अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बहुत ही मजबूत कर लें सो दैट आप एक प्रॉफिटेबल करियर बना सकें ट्रेडिंग में। इमोशंस एंड बिहेवियर जो हम एनकाउंटर करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रेडिंग, उसी का नाम है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आपको ये सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन लेट मी टेल यू, इट इज़ वेरी हार्ड टू फॉलो, बहुत मुश्किल है इसे फॉलो करना। 90-95% ऑफ द ट्रेडर्स सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वजह से प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। जी हाँ, आपकी ट्रेडिंग में 20-30% हिस्सा होता है चार्ट्स एंड पैटर्न्स का। आपने अगर सही से एनालिसिस भी कर लिया, लेकिन अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही नहीं है, आप अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेड को भी लॉस मेकिंग ट्रेड में कन्वर्ट कर देंगे। इसी को समझने के लिए अभी मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेके आऊँगा, जिसमें हम समझेंगे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इमोशंस को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम कभी कभी रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं। मान के चलते हैं आपको चार्ट रीडिंग करना बहुत अच्छे से आता है एंड आपने डिसाइड किया कि अगर मार्केट इस लेवल पर दोबारा आता है तो मैं एक लॉन्ग पोजिशन लूँगा और अराउंड 9-10% के प्रॉफिट में मैं निकल जाऊँगा। मार्केट ने मूव लिया आपके लेवल पे एंड आपने अगर यहाँ से लॉन्ग किया होता जो आके आपने डिसाइड किया था पहले, ये अराउंड मार्केट आपको 9-10% का मूव दे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट। एज अ लॉजिकल ट्रेडर मैं यहाँ पे प्रॉफिट लेके निकल जाऊँगा एज पर दी प्लान दैट आई हैड, बट एज अ रिटेल ट्रेडर कई बार मैं धोखा क्या खा जाता हूँ, मेरे अंदर ग्रीड आ गया और मैंने यहाँ पे प्रॉफिट लेने से मना कर दिया एंड मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं दोबारा से इस लेवल को अगर टच करेगा तो मैं प्रॉफिट लूँगा, मतलब मेरे अंदर ग्रीड आ चुका है, मेरे अंदर लालच आ चुका है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे प्रॉफिट नहीं लिया एंड मैं वेट करता रह गया एंड नेक्स्ट मार्केट ने एक डंप लिया टूवर्ड्स द डाउन साइड। एज अ रिटेल ट्रेडर बिकॉज मैंने यहाँ पे प्रॉफिट नहीं लिया, यहाँ पे अब मार्केट ने एक सपोर्ट यहाँ पे तोड़ा, मैं कहीं ना कहीं ये सोचूंगा कि मार्केट ने अगर सपोर्ट तोड़ दिया है तो यहाँ से मार्केट शायद डंप कर सकता है और मेरे अंदर एक फियर फीलिंग आ जाएगा। फियर की वजह से मैं क्या करूँगा, मैं मार्केट ने जब मेरे लेवल से डाउनवर्ड मूव मारा, ये अराउंड 4-5% का मूव है, राइट, 4-5% का, अगर आपने इसमें 1,000 शेयर लिए होते, 284,000 अगर आपने इन्वेस्ट किए होते, उसमें आपको अराउंड 15,000 रुपये का नुकसान हो रहा होता। आपके अंदर फियर आएगा, मार्केट आपके डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, आप यहाँ पे अपनी पोजीशन काट देते, राइट, एज अ रिटेल ट्रेडर। लेकिन नेक्स्ट अगर आप देखें मार्केट ने दोबारा ऊपर जंप लिया एंड मार्केट ने रुकना बिल्कुल बंद कर दिया, तीसरी जो फीलिंग अगर आपके अंदर आती, आप कहते ओह मैंने ये गलती कर दी यहाँ पे बेच के, मुझे यहाँ पे वेट करना चाहिए था, मार्केट दोबारा से मेरे लेवल पे पहुँच गया, अब यहाँ पे दोबारा से लेवल पे पहुँच गया, दोबारा से रिट्रेस किया, आपने सोचा कि नहीं अगर दोबारा से इस लेवल पे आएगा तो मैं दोबारा से एंट्री लूँगा, लेकिन मार्केट ने आपको वो मौका नहीं दिया, मार्केट सिर्फ ऊपर जाता गया एंड आपके लेवल से, आपके एंट्री लेवल से जो आपने सोचा था उससे बहुत ऊपर चला गया। आपके अंदर अब एक फीलिंग आने लगी, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपने क्या करा, आपने मार्केट सोचा कि मार्केट रिट्रेस अगर करेगा तो मैं इसमें दोबारा एंट्री लूँगा, लेकिन मार्केट ने रिट्रेसमेंट नहीं दिया। मार्केट ने रिट्रेसमेंट कब दिया, यहाँ पे इस लेवल पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया बिकॉज यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा, आपने कहा आप तो ये ऊपर जाएगा, अब इसे ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता, मैं दोबारा से इसमें एंट्री ले लेता हूँ। आपने क्या करा, आपने दोबारा से एक एंट्री इस लेवल के आसपास ले लिया, राइट। अब देखिए मार्केट ने प्राइस एक्शन कैसे लिया, मार्केट आपके लेवल से अराउंड 10-11% दोबारा से ऊपर चला गया, लेकिन यहाँ पे दोबारा से आपके अंदर एक ग्रीड वाली फीलिंग आई, आपने यहाँ पे फिर भी प्रॉफिट नहीं लिया एंड आपने वेट किया कि मार्केट दोबारा ऊपर जाएगा तो मैं प्रॉफिट लूँगा, लेकिन मार्केट ने दोबारा से आपके प्राइस से नीचे टर्न लिया और आपके प्राइस से वो मार्केट में डंप होकर अराउंड 7% चला गया। यहाँ पे आपने दोबारा नहीं बेचा बिकॉज आपको लगा कि ये गलती मैं पहले कर चुका हूँ, मैंने पहले सेल कर दिया था तो मार्केट ऊपर चला गया, अब मैं यहाँ पे सेल नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा, मार्केट ऊपर ही जाएगा। आपने यहाँ पे वेट किया और मार्केट ने थोड़ा ऊपर जंप लेके मार्केट
आपके प्राइस लेवल के बहुत नीचे आ चुका है। अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको यहाँ पे इस लेवल पे अराउंड 23% का नुकसान होता था, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग लॉस इन अ पोजिशन दैट यू आर टेकन, एंड आप कहीं ना कहीं एक बैग होल्डर बन गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द इमोशंस दैट यू वर इनकाउंटरिंग ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स। अब हम बात करेंगे कि इन इमोशंस को हम ओवरकम कैसे करें। सबसे पहला और फोरमोस्ट जो मैं तरीका आपको बताऊंगा वो ये है कि अपने लिए कुछ रूल्स बनाएं। यू शुड हैव सम रूल्स टू फॉलो। जैसे मेरे लिए एक पर्सनल रूल है कि अगर मैं किसी ट्रेडिंग डे में लॉस कर देता हूँ किसी ट्रेड में, तो मैं उस दिन और कोई ट्रेड नहीं लेता। मैं नेक्स्ट डे आता हूँ फ्रेश माइंड के साथ एंड नेक्स्ट डे फ्रेश अप्रोच के साथ मार्केट को देखता हूँ। सेकेंड जो रूल आपको फॉलो करना है वो ये है कि आपको एक प्लान होना ज़रूरी है। लास्ट ट्रेड में अगर हम देखेंगे, एज अ रिटेल ट्रेडर मेरे पास एक अच्छा प्लान था कि मैं एक लेवल पे आके पोजीशन को लॉन्ग करूँगा एंड अराउंड 9-10% के आसपास मैं प्रॉफिट लेके निकल जाऊँगा मार्केट से। लेकिन मेरे इमोशंस ने वो रूल फॉलो मुझे नहीं करने दिया एंड कहीं ना कहीं मैं एक प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड को मैंने लॉस मेकिंग ट्रेड बना के एग्जिट कर दिया। इसी चीज़ को आपको दोहराना नहीं है, आपको अपने लिए कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, अपने लिए एक प्लान बनाना है और उस प्लान पे स्टिक रहना है। ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा डे इन एंड डे आउट, तभी आप जाके ट्रेडिंग करियर में सक्सेसफुल हो पाएंगे। थर्ड जो तरीका वो ये है कि आपको अपनी ट्रेडिंग से बायस बिल्कुल हटा देना पड़ेगा। आपको मार्केट के अकॉर्डिंग एक्ट करना पड़ेगा। एज अ ट्रेडर कई बार हम ये सोचते हैं कि अगर मार्केट ग्रीन है हमें सिर्फ लॉन्ग पोजिशंस लेना है एंड लॉन्ग पोजिशंस में ही हमारा आज पैसा बनेगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मार्केट कभी भी टर्न ले लेगा। आपको चार्ट्स के अकॉर्डिंग एक्ट करना है। अगर आपको दिखता है कि मार्केट में कोई पोजीशन आपकी रेजिस्टेंस पे, आप उस प्रॉफिट पोजीशन टेकिंग पोजीशन को कहीं ना कहीं अपना स्टॉप लॉस आप मूव कर देंगे प्रॉफिट में, एंड अगर आपको लगेगा कि नहीं यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है और अच्छा खासा मेरा प्रॉफिट बन रहा है, आपको उसको एग्जिट कर देना है। आपको बायस बिल्कुल नहीं रखना कि ये मार्केट ऊपर जाता जाएगा और ये नीचे कभी भी नहीं आएगा, वो बायस आपको कम्प्लीटली हटा देना है, राइट। इसी तरीके से जब मार्केट नेगेटिव डायरेक्शन मूव हो रहा हो आपको उस अकॉर्डिंग प्लान फॉलो करना है। फोर्थ, ऑलवेज लर्न टू हैव पेशेंस। पेशेंस फॉलो करना बहुत मुश्किल है। हम एज अ ट्रेडर कई बार क्या करते हैं कि अगर मार्केट ने, अगर हमारे पास कोई प्लान है और मार्केट ने साइडवेज मूवमेंट देना स्टार्ट किया, हम एज अ ट्रेडर उस पोजीशन से एग्जिट कर जाते हैं और दूसरी पोजीशन जहाँ पे मार्केट मूवमेंट अच्छा ले रहा है हम उस पोजीशन में एंटर कर जाते हैं एंड अपनी विनिंग ट्रेड को पीछे छोड़ के निकल जाते हैं। लेकिन हम जब दूसरी ट्रेड में मूव हुए वहाँ पे हमें इतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा होता, हमारा जो प्लान जिस पोजीशन में था, हमने जिसमें सेटअप किया था प्लान, वो पोजीशन हमारे एग्जिट करते ही हो सकता है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते। तो ऑलवेज लर्न टू हैव पेशेंस। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा अपने सेटअप को फॉलो करने में। अगर तो वो स्टॉप लॉस लेना है वो स्टॉप लॉस हिट कर देगा, आपको ये माइंड में हमेशा बैठा के रखना है कि मेरी पोजीशन स्टॉप लॉस भी हिट कर सकती है। तो अगर आपने ये सोच के रख लिया कि अगर ये प्रॉफिट देती है तो देती है, अगर मुझे लॉस देती है तो देती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज अ ट्रेडर मैं सेटअप फॉलो करूँगा, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि 50% अगर आपका विनिंग रेट है तब भी आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर है। तो आप ये स्टेप फॉलो कीजिए लगातार डे इन एंड डे आउट। आपको ये बहुत रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा तभी आपकी प्रैक्टिस में आएगा। एक बार आपकी प्रैक्टिस में ये चीज़ आ गई आपके लिए ट्रेडिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको वीडियो से कुछ लर्न करने को मिला है, आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।